और आइए हिंदी मंच की जो बहुत हमारी शानदार परंपरा रही है उसमें एक बड़ा नाम, एक बड़ी कीर्ति जिस हमारी डॉक्टर मंजू दीक्षित बड़ी बहन ने जोड़ी है, वो हिंदी कवि सम्मेलन जगत के लिए एक बहुत शानदार समय रहा है और आज भी उनकी कविताएं आपके मन पर साफ छोड़ती हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ, मैंने जिनको सुनकर कविता लिखना सीखी है, ऐसी बहुत शानदार कवित्री डॉक्टर मंजू दीक्षित जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां से आएं और अपना ये आपके बीच एक परिवार की समस्या पर कविता पढ़ती हूँ कि आज के युग में जो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाते हैं, मैं वो बच्चे इस तरीके से छोड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मैं जानती हूँ कि संस्कृति यहाँ की नहीं होगी, भगवान कृष्ण की नगरी के लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आज के युग में कोई मेरा भाई भटक जाए, तो इसलिए मैं उस कविता को पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ और आपकी अनुमति सुनेगा। एक माँ की भावना को कहना चाहती है, सुनेगा कि मंदिरों में जाके दो, ये पता नहीं थोड़ा सा इको कर रहा है क्या, ये ठीक आ रही है आवाज़ ठीक आ रही है तो ठीक है, कि मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म, जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किस से कहें, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, बंधनों में बंद कर रह जाते हैं, पर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। माँ की भावना को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे यहाँ आगरा में, मैं आगरा से आई हूँ और आगरा में एक दयाल बाग में एक कवि सम्मेलन हुआ था और वहाँ एक वृद्ध आश्रम खुला था, लेकिन जिसने वृद्ध आश्रम खोला था उसने अपने कमाई के लिए खोला था कि यहाँ वृद्ध लोग आएंगे, पैसा देंगे, हमारा धंधा चलेगा। लेकिन उसके लिए, उद्घाटन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था। अटल जी ने जब मेरे को आमंत्रित किया कि आप मंजू दीक्षित यहाँ आइए, देखिए आप ये माहौल को देखिएगा और इस माहौल पर कविता लिखिएगा, ये उसका उसी वक्त की ये कविता है, मैं आपके बीच पढ़ती हूँ। उस दोनों कपल बैठे हुए थे, इधर पति बैठे हुए थे, इधर पत्नी बैठी हुई थी। मैंने दोनों की भावनाओं को जब मैंने ज्ञात किया यहाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। उसी माँ की भावना को आपके बीच पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। कि पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम, कभी कोई एहसास होने नहीं दे, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दे, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, अपनी ये अन बन शान कुर्बान, खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये, धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, रथ को कुपथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जब शादी हो जाती है उसके बाद की हकीकत बयां करती हूँ, सुनेगा। कि जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कुची सभ्यता, पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा, सोचते नहीं है नहीं करते विचार, सोचते नहीं है नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं। आप एक और हकीकत देखते हैं, वो हकीकत आपके बीच बयां करती हूँ, अक्सर कर मैं भी देखती हूँ और आप लोग भी देखते हैं, सुनेगा।
कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, सांस में हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, बुढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अब तक तो आपके बीच मैं एक वृद्ध माँ की भावनाओं को समर्पित कर रही थी, लेकिन अंतिम बंद मैं अपनी ओर से आप सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। यदि मेरी बात सही हो, आपको अच्छी लगे, तो मैं हाथ उठाकर और मंच से भी आशीष चाहूँगी, आप सभी का भी आशीष चाहूँगी, कुछ संदेश देने की कोशिश करूँगी। सुनेगा कि सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं बिसार जाएगा। यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।